दोस्तों इस वीडियो में जो है हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव SSD का जो है हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपनी डेटा ट्रांसफर की स्पीड 5 गुना कैसे कर सकते हो तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों मेरा नाम है गौरव भट्ट और आप सभी का स्वागत है NFX यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे फ्रेंड भावेश ने जो है अपने मैक पीसी में एक एक्सटर्नल SSD यूज़ करने के लिए ये वाली जो SSD मंगवाई है, ये जो हार्ड ड्राइव है उसको हमने टाटा क्लिक से ऑर्डर किया था। बट इसका जब पार्सल हमारे पास पहली बार आया था तब जो है इसमें से मेमोरी कार्ड जो है निकला था, तो वहाँ पे टाटा क्लिक्स में जो है थोड़ा सा हमें कम प्राइस में जो है ये हार्ड ड्राइव मिल रहा था तो वहाँ से हमने परचेज किया था। बट थोड़ा एक्सपीरियंस वहाँ से अच्छा नहीं रहा और इसलिए जो है मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप टाटा क्लिक से ये जो है प्रोडक्ट को खरीदे, आप जो है अमेजोन से ही खरीदे जिससे आपको सही प्रोडक्ट मिल पाए। करीबन 1 महीने बाद जो है हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो अवेलेबल हुआ है, तो अभी जो है इसका हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और इस बार जो है इसको शूट करने का दूसरा पर्पस ये भी था कि सही में जो है इस बार हमारा सही प्रोडक्ट निकल रहा है या नहीं। ठीक है, तो फाइनली जो है हमें जो SSD ड्राइव चाहिए थी एक्सटर्नल वो मिल चुकी है और यहाँ पर जो है 500 GB की हार्ड ड्राइव है और इसकी जो स्पीड मिल रही है 550 MB की जो है स्पीड हमें मिल रही है, तो काफ़ी जो है अच्छी स्पीड है। प्रोडक्ट है वो एकदम न्यू है और दोनों साइड से जो है सील किया हुआ है, तो चलो अच्छी बात है कि जो है हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल गया फाइनली। और यहाँ पर ये जो है हमारी हार्ड ड्राइव है और बहुत छोटी सी और देखने में काफ़ी जो है आपको एट्रैक्टिव लगेगी। आगे और पीछे दोनों साइड जो है आपको इस तरह का कुछ लुक दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे आईफोन से भी ये कितनी छोटी हार्ड ड्राइव है। तो यहाँ पे आपको सी टाइप पोर्ट मिलेगा और इसके साथ जो है एक मैनुअल है और एक जो है आपको डेटा ट्रांसफर के लिए केबल मिलेगा। तो केबल जो है वो सी टाइप है, साथ में आपको एक एडेप्टर मिलता है जहाँ पे आप सी टाइप टू USB 3 में जो है कन्वर्ट कर सकते हो और आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हो। साथ में अगर आपका सी टाइप मोबाइल है, ठीक है, तो आप मोबाइल के साथ भी अपनी इस एक्सटर्नल ड्राइव को कनेक्ट करके मोबाइल में भी डेटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों इस हार्ड ड्राइव का जो है आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। मेनली जो है SSD खरीदने का हमारा रीज़न ये था कि हमें जो है डेटा ट्रांसफ़र स्पीड चाहिए थी, प्लस में जो है हमें इसमें विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना था और हमारे जो एनिमेशन VFX सॉफ्टवेयर थे वो उसमें डाल के जो है हमें एक्सटर्नली यूज़ करना था। दोस्तों हार्ड ड्राइव की जो बैक साइड है वो जो है पूरा रबर कोटिंग है, तो इससे इसकी जो है सेफ्टी और भी बढ़ जाती है। साथ ही में जो है ये वाटरप्रूफ है और डस्ट रेजिस्टेंस है, तो जिससे आपकी हार्ड ड्राइव जो है ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी। और वेट में जो है काफ़ी हल्की है तो आप इसको जो है इजीली कैरी कर सकते हो हर जगह पर। फ्रंट में जो है सनडिस्क का लोगो आएगा और पीछे की साइड जो है रबर कोटिंग किया गया है और काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ईयर की वारंटी मिलती है सनडिस्क की तरफ से। तो चलिए दोस्तों अभी जो है हम इसको कनेक्ट करते हैं हमारे लैपटॉप के साथ और इसकी जो है हम स्पीड टेस्ट करेंगे कि वाकई में जो है ये कितनी स्पीड हमें दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये ब्लैक मैजिक डिज़ाइन एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पर हम जो है स्टार्ट स्पीड टेस्ट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर राइटिंग स्पीड जो है वो कुछ 465 MB की दिखा रहा है और रीडिंग स्पीड जो है वो 515 की दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डेटा ट्रांसफ़र जब होता है तब राइटिंग और रीडिंग में जो है कितनी स्पीड हमें मिल रही है, तो यहाँ पे पूरे चार्ट में जो है डिटेल में बताया गया है। दोस्तों अभी जो आप स्पीड टेस्ट देख रहे हो वो जो नॉर्मल हमारी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है उसका स्पीड टेस्ट है, तो इसकी जो आप देख सकते हो कि कुछ 88 MB की राइटिंग स्पीड मिल रही है और रीडिंग स्पीड जो है वो यहाँ पर 85 MB के आसपास मिल रही है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो SSD का कम से कम 5 गुना जो है स्पीड से आपको डेटा ट्रांसफ़र करता है, तो यही मैजिक है SSD का जो आपको सुपरसोनिक स्पीड देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक मूवी को हम ट्रांसफ़र करके देखते हैं और ये मूवी जो है 1.52 GB का है और अभी जो है हम इसको हमारी एक्सटर्नल SSD में जो है हम पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मूवी जो है 1.5 GB का इजीली जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 सेकंड से भी कम टाइम में जो है हमारा डेटा 1.5 GB का ट्रांसफ़र हो चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन स्पीड है SSD की। तो दोस्तों एक तो जो है यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र में काफ़ी अच्छी स्पीड मिल रही है, ये बेनिफिट है। इसके अलावा जो है जब भी हम इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे और अपने 3D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी अमेजिंग है,
तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ टेस्ट किए है, तो वो मैं जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है इस हार्ड ड्राइव में विंडोज 10 को इंस्टॉल किया है और बाद में जो है हमारे जो भी एनिमेशन VFX सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करे है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो लैपटॉप है वो i5 7th generation का लैपटॉप है, 8GB की रैम है। सबसे पहले जब भी बूट होता है और हमारा विंडोज स्टार्ट होता है तो बिना SSD के जो है 1 मिनट 33 सेकंड लग रही थी, और जब हमने SSD में अपना विंडोज़ इंस्टॉल किया और अभी जब हम इस एक्सटर्नल SSD से जो है हमारा विंडोज़ स्टार्ट कर रहे तो करीबन जो है 27 सेकंड में जो है ये स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जो है क्रोम ब्राउज़र का जो है टेस्ट किया तो यहाँ पे जो है करीबन 4 सेकंड में जो है क्रोम SSD में ओपन हो रहा है, और पहले जो नॉर्मल हमारी हार्ड ड्राइव थी वहाँ से जो है 7 सेकंड का जो है टाइम लग रहा था। इसके अलावा जब हमने फोटोशॉप को ओपन किया तो फोटोशॉप ओपन होने में भी काफ़ी जो है डिफरेंस है। तो नॉर्मल जब हमारी हार्ड ड्राइव से फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा था तो तभी 41 सेकंड का टाइम लग रहा था, और SSD में से जब हम फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे तो करीबन 11 सेकंड में जो है फोटोशॉप स्टार्ट हो जा रहा है। सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने में भी जो है काफ़ी स्पीड मिलती है। इसके अलावा जब आप फाइल को सेव करते हो उसमें भी आपको जो है फ़र्क नज़र आएगा, फाइल को सेव होने में भी बहुत कम समय लगता है। इसके अलावा जब हमारे पास 3D के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और उसकी फाइल की साइज़ भी बड़ी रहती है तभी जो है हम सेव करते हैं या फिर 3D वर्कस्पेस में काम करते हैं, तो उसकी स्पीड में भी जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिलता है SSD की वजह से। और यहाँ पर जब मैंने आफ्टर इफेक्ट को स्टार्ट किया तो यहाँ पर नॉर्मली पुरानी जो मेरी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव थी वहाँ से जब हमने इंस्टॉलेशन करके स्टार्ट किया तो 2 मिनट और 28 सेकंड लग रहे थे, और हमारे एक्सटर्नल SSD ड्राइव से हमने जब इसको सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया तो 45 सेकंड में स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ हमने टेस्ट किए थे जो आपके साथ शेयर करने थी कि एक्सटर्नल SSD क्यों आपको लेनी चाहिए और हमने क्यों इसको ख़रीदा है। तो दोस्तों अगर आप SSD ड्राइव को इंटरनल यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए जो है एक अलग उसकी हार्ड ड्राइव मिलती है, ठीक है। और पर्टिकुलर आपको अगर लैपटॉप की चाहिए तो यहाँ पर ये वाला मॉडल जो है आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये होगी कि आपको जो इंटरनल अभी जो SSD ड्राइव है लैपटॉप में उसको चेंज करना पड़ेगा SSD से, और आपकी जो पुराने लैपटॉप की पुरानी हार्ड ड्राइव है वो आप जो है DVD ड्राइव की जगह पर इसको जो है आप यूज़ कर सकते हो। और इसके लिए दोस्तों आपको जो है हार्ड ड्राइव कैंडी करके ये वाला केस जो है वो परचेस करना पड़ेगा, और वहाँ पर आप जो है अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को DVD ड्राइव की जगह पर प्लेस कर सकते हो, और आपकी पुरानी हार्ड ड्राइव की जगह पर आपकी एक नई SSD लगा सकते हो अगर आपको इंटरनली इसको सेट करना है। बट दोस्तों इसमें मेन दिक्कत ये रहेगी कि आपको अपने लैपटॉप को जो है ओपन करना पड़ेगा और उसमें जो है आपको ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, और साथ में जो है आपको ये वाला केस भी जो है परचेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप परमानेंटली यूज़ करना चाहते हो तो आप जो है SSD को इंटरनली भी लगा सकते हो, बट इससे बेटर ऑप्शन यही है कि आप जो है एक्सटर्नली यूज़ करें, और एक्सटर्नली आप जो है कहीं पर भी जाके अपने विंडोज़ और अपने सॉफ्टवेयर के साथ बैठ के लगा के उसको बूट करके आप अपने किसी भी PC या डेस्कटॉप में जाके अपने सॉफ्टवेयर के साथ काम कर सकते हो, और आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं लगेगा कि ये हम एक्सटर्नल ड्राइव से काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है और इसकी स्पीड के कारण जो है आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा। और दोस्तों अगर आप अपने पुराने लैपटॉप को जो है अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने जो एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन से जो है आपको पार्ट्स खरीदने होंगे अपने पुराने लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए, जिससे आपके जो एनिमेशन VFX के सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से चले। तो आप जो एक बार ये प्लेलिस्ट पूरा देख लीजिए, इसके बाद ही अपना जो है लैपटॉप अपग्रेड कीजिएगा। दोस्तों आपके लैपटॉप के इंटरनल पार्ट में कोई भी चेंजेस करे बिना अगर आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो तो आप जो है ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस को जो है बढ़ा सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये हार्ड ड्राइव खरीदनी है तो यहाँ पे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जो है अमेजोन से जाके खरीद सकते हो। और मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करके काफ़ी अच्छा लगा और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस प्रोडक्ट को जो है परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट के मैंने रिव्यूज़ पहले भी किए हैं, तो इसका प्लेलिस्ट भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा प्लेलिस्ट भी देख सकते हो कि मैंने दूसरे कौन कौन से प्रोडक्ट जो है सजेस्ट किए। और मैंने जो है अमेजोन में एक अपना पेज भी बनाया है जहाँ पे मैंने एनिमेशन VFX रिलेटेड जो भी मैं गैजेट्स यूज़ करता हूँ, प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, वो मैंने आपको सजेस्ट किए, आप एक बार जाके देख सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो परचेज भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।